जय हिंद। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए मैच प्रिडिक्शन के वीडियो में। जैसा कि आज का जो प्रिडिक्शन होने वाला है, इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के बीच में T20 मैच का जो श्रृंखला खेली जाएगी, उस मैच का मैं प्रिडिक्शन लेकर गया हूं। तो भाई आज बात करूंगा कि आज 2 करोड़ रुपया किस प्रकार से विनिंग करना है। तो सीधे आप दिमाग में उतार देना भाई यह मेथड कि आपको 2 करोड़ किस प्रकार से विनिंग करना है। तो वो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखना। और यहाँ पर से मैं ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करूंगा। तो कुल मिलाकर के 22 प्लेयर होता है। 22 में से 11 वो यूनिक प्लेयर कौन हो सकता है जो आज ग्रैंड लीग आपको दिला सकता है। परफेक्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन कौन होने वाला है, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। तो हे गाइज, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम पर आना चाहते हैं तो प्लस व्हाट्सएप पर आना चाहते हैं, दोनों का लिंक आपको सिंपली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से सिंपली से आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टेलीग्राम पर क्यों बोलता हूँ कि आप आ जाओ, तो भाई इसका कारण है क्योंकि अभी टॉस नहीं है। टॉस हो जाने के बाद मैं आपको टीम प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि आदित्य टीम रहने वाला है। उसमें उस टीम में मात्र 10% आप क्या कर लेना, खुद से कम्बिनेशन कर लेना, बस बेरा पार होने वाला है। तो गाइज मैं चलता हूँ आज के प्रिडिक्शन के साथ। उससे पहले एक लाइक कर देना। देखो भाई, यहाँ पर से जो गाइड किया जाता है ड्रीम इलेवन के द्वारा, ये जानना काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो जाता है सभी भाई के लिए। तो इसको आपको सिंपली से जान लेना है। तो चलते हैं सिंपली से मैं गाइड पर। गाइड पर जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आपको मैच स्टेटस नजर आता है। इस पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर से आपको बारीकी से समझना है। देख लो, 16 मैचों का अपडेट देता है, पिछले 5 सालों का T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर से देखा गया है कहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने 12 बार मैच विनिंग कर चुका है, जबकि इंडिया वुमेंस ने मात्र 2 ही बार मैच विनिंग कर चुका है। तो कहीं देख सकते हो कि भाई T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेंस स्ट्रॉन्ग स्थिति में नज़र आ रही है। वहीं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया आपका वीक स्थिति में आपको नज़र आ रही है। तो वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो व्यू रिसेंट रिकॉर्ड पर, तो यहाँ से आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। भाई देख सकते हो रिसेंट में का लाजवाब, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने जो है 4 बार यहाँ से मैच विनिंग किया है, इंडिया को हराया है। तो किस प्रकार से हराया हो, तो इसको आपको देख लेना, काफ़ी पेंट पिक रहता है। मात्र 2 ही चीज़ देखो इसमें, एक स्कोर बोर्ड देखो, दूसरा आप यहाँ पर देख लो स्टेडियम कि किस पिच पर मुकाबला खेला गया है। 2 चीज़ बस देख लो, आपका बेरा पार होने वाला है दोनों का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज आपका इंडिया, दोनों का देख लेना है कि पिच क्या है और एवरेज स्कोर क्या है, अर्थात आपका स्कोर बोर्ड क्या है, विकेट कितनी गिरती है, वो देख लेनी है। उसके बाद आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद कुछ ऊपर में इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ देख सकते हो कि रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जिस जिस टीम के साथ खेली है उनका परफॉर्मेंस दिया गया है यहाँ, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो खेली है यहाँ पर से उसका परफॉर्मेंस यहाँ से 5 मैच का दिया गया है, किस किस टीम के खिलाफ खेली है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का जानूँ। ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ T20 का ही यहाँ रिकॉर्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो यहाँ पर से देख सकते हो कि इनके खिलाफ इन्होंने मैच विनिंग किया, कब किया, ये डजेंट मैटर, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि स्कोर बोर्ड कितना है और पिच कौन सा है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट पिक रह जाता है। तो ये देख लेना भाई, आपके ड्रीम इलेवन में भी होगा, जैसा कि मेरे ड्रीम इलेवन में आ रहा है तो उसी प्रकार से आपके ड्रीम इलेवन में भी रहेगा। तो आप सिंपली से देख लेना। उसका इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया इधर देख सकते हो, इंग्लैंड वुमेंस, उसके बाद श्रीलंका वुमेंस के खिलाफ मैच के लिए, फिर बांग्लादेश वुमेंस के बीच मुकाबला खेली है। तो यहाँ पर से देख सकते हो किस प्रकार से मैच विनिंग की अनविनिंग की सारा रिकॉर्ड दिया गया है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट पिक रहेगा आप लोगों के लिए, ये जानना काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो जाता है। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपको देख लेना है पिच रिपोर्ट, आज का क्या रहने वाला, बैटिंग पिच रहने वाला है। भाई आज का जो टॉप बैट्समैन रहने वाला है या टॉप आपका जो विकेट कीपर रहने वाला है वो आपका गर्दा उड़ाने वाली है। तो गर्दा उड़ाएगी और साथ में जो है आपको लेकर के ही चलना है। तो यहाँ पर से पिच बिहेवियर की बात करता हूँ तो इस पिच पर देखा गया है कि पेसर्स बॉलर की दबदबा काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, वहीं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर बात करता हूँ भाई आज के पिच की बात करता हूँ तो आज आपका जो है पेसर्स बॉलर यहाँ से 60% परफेंस करके देने वाला है। वहीं 40% की बात करता हूँ तो आपका स्पिनर्स बॉलर काफ़ी लाजवाब होने वाले है। तो आपको इस प्रकार से आपको स्पिनर्स बॉलर सेलेक्ट कर लेना है या आपका पेसर्स बॉलर इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपका ऑलराउंडर सेक्शन से हो, ऑलराउंडर सेक्शन से भी और बॉलिंग सेक्शन से भी आपको कॉम्बिनेशन करके जाना है। तो यहाँ पर से देख सकते हो पिच हिस्ट्री की बात करता हूँ तो पिच हिस्ट्री में कुल 62 विकेट में से देखा गया है
पेसर्स बॉलर 27 विकेट ले चुका है और 35 विकेट आपका जो है स्पिनर्स बॉलर ने ले लिया है। तो किस प्रकार से रहने वाला है आप देख सकते हो। आज का एवरेज स्कोर की बात करता हूं तो आज का एवरेज स्कोर यदि आपका पहले बैटिंग करने आता है ऑस्ट्रेलिया तो 150 के आसपास जा सकता है। यदि इंडिया बैटिंग करने आता है तो आपको 130 के आसपास एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वहीं ट्रंप प्लेयर यहाँ पर से आप क्लिक करते हो भी मोड पर तो आपको ट्रंप प्लेयर कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो ट्रंप प्लेयर के रूप में आप देख सकते हो कितने कुल मिलाकर के 6 प्लेयर दिया गया। मात्र आज आप लोगों के लिए 4 प्लेयर जो इंपोर्टेंट पिक होने वाला है, जो खास होने वाला है ग्रैंड लीग के लिए, तो मैं उसकी बात करूंगा यहां से आपको। मैं भाई यहाँ पर देखो मैं काफ़ी थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके या आप अपने ड्रीम इलेवन में आप धीरे धीरे समझते जाना, अच्छा आराम आराम से समझते जाना, कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे तो यहाँ से समझते जाना। उसके बाद आता हूँ बैक आने के बाद आप देख सकते हो कि आज का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा। यह नेवी मुंबई में ही खेला जाएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा क्या आता हूँ बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप टीम आज 10 ग्रुप टीम देख लो बेरा पार रहने वाला। 10 ग्रुप टीम देखते हो तो यहाँ से आपको 40% नॉलेज मिलने वाली है। आप खुद से भी इसको देख लेना कि क्या नॉलेज मिलने वाली है, क्या कॉन्फिडेंस मिलने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो, लेकिन आपको 10 टीम जरूर से कम से कम आपको 10 टीम देख लेना, काफ़ी इंपोर्टेंट पिक रह जाता है। उसके बाद आते हैं अपने ड्रीम इलेवन के इंटरफेस पर। इसमें मैं बात करूंगा कि आज कितना विकेट कीपर होना चाहिए, कितना बैटिंग सेक्शन, कितना ऑलराउंडर सेक्शन और कितना मेरा बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए और कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाना चाहिए हमें ये चारों सेक्शन से। तो ये चार सेक्शन से हमें कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करना चाहिए ये आपका डिपेंड रहेगा टॉस पे। टॉस पे आज डिपेंड रहने वाला कि टॉस जीत करके कौन पहले बैटिंग करने आता है उसके हिसाब से। यदि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने पहले आए तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको कुछ अलग प्रकार से आपको टीम क्रिएट करना है। यदि इंडिया पहले बैटिंग करने आए, टॉस जीते या न जीते डजेंट मैटर, तो इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है बैटिंग सेक्शन अलग प्रकार से आपको सेलेक्ट कर देनी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी बात यहाँ पर जो बताऊँगा काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर आ जाओ, टेलीग्राम पर आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर से दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ विकेट कीपर की बात करता हूँ। मनी नज़र आती है, हेली नज़र आती है, भाटिया नज़र आती है और उसके बाद आर्घोष नज़र आती है। चार का चार बैटिंग सेक्शन विकेट कीपर की सेक्शन होने वाली है। तो इसमें बात करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रेंड पीक हो सकती है आपका आर्घोष। ये यदि आर्घोष के साथ ग्रैंड लीग में जाते हो तो बिल्कुल सेफ प्लेयर होने वाला है। दूसरा हेली नज़र आती है, ये दोनों प्लेयर के साथ आप कॉम्बिनेशन करके आप चल सकते हो। यदि कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो भाटिया और मनी के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो जो कि थोड़ा सा रिक्सी आज होने वाली है। दूसरी कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ यहाँ से अब मोनी और दूसरा जो है यहाँ से आर्घोष का आप क्या कर सकते हो कॉम्बिनेशन करके चल सकते हो। बट आज दो विकेट कीपर के साथ जाना काफ़ी सेफ रहने वाला है। वही बात करता हूँ यदि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आई, ऑस्ट्रेलिया वोमेंस पहले बैटिंग करने आएगी तो मैं बी मोनी को हो सकता तो मैं अपनी टीम में जगह दे सकता हूँ। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करता हूँ भाई पैरी लाजवाब होने वाली है आज के प्लेयर के लिए, धुआं छोड़ाने वाली है। तो अपनी टीम में जगह देने वाला हूँ, जितना भी मैं ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करूँगा उसमें इसको जगह देने वाला हूँ। साथ में स्मॉल लीग हो सके स्मॉल लीग में भी इसको मैं जगह दे सकता हूँ, बट टॉस का इंतजार करूँगा। उसके बाद बात करता हूँ एस मंदाना को फिलहाल मैं ड्रॉ करके जाने वाला हूँ स्मॉल लीग से, लेकिन ग्रैंड लीग में रखना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में इसको आप जगह दे सकते हो। बट मैं एच कॉर्ड की बात करता हूँ। उसके बाद रेडिगर्स की बात करता हूँ तो रेडिगर्स आप लोग इंपोर्टेंट पिक हो सकता है, लेकिन इसकी जगह मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँगा, एच कॉर का कॉम्बिनेशन यहाँ से बनाना चाहूँगा जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो जाता है आज के ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में आप इस प्लेयर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जगह दे सकते हो। उसके बाद यश वर्मा को भी जगह दे सकते हो। यश वर्मा आज काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो सकता है भाई ग्रैंड लीग के लिए, बट स्मॉल लीग के लिए भी इंपोर्टेंट पिक होने वाली है। तो इसको दोनों जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बात करते हैं तो आपको जो है नीचे फील्ड नजर आती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्लेयर टुडे, तो आज के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट पिक होने वाली है यह प्लेयर। तो इसको अपने टीम में जगह दो भाई, जितना भी आप टीम क्रिएट करते जाते हो तो इसको जगह दो, काफ़ी इंपोर्टेंट पिक होगा आपके लिए ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग के लिए। मैं तो जाने वाला हूँ। उसके आता हूँ सिंपली से ऑलराउंडर सेक्शन पर। आज हो सकता है अधिकतम मैं बैटिंग सेक्शन 5 कर सकता हूँ, जब मेरा एक विकेट कीपर रहेगा तब की बात करता हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से आता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन भी आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो सकता है क्यों नहीं होगा भाई, आज भी होने वाला है, इससे पहले भी था। तो
ऑलराउंडर सेक्शन से मैं क्या करूँगा, एक ऐसा टीम क्रिएट करूँगा जिसमें जो अधिकतम मैं चार ऑलराउंडर सेक्शन करने वाला हूँ। जो चार ऑलराउंडर कौन सा होगा मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट दूंगा। बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन करने के लिए आप जो है आपको गार्डन नज़र आता है, गार्डन को आप अपने टीम में जगह दे सकते हो, MC ग्रत को दे सकते हो। उसके बाद डी शर्मा आते हैं, डी शर्मा को फिलहाल मैं ड्रॉ करके ही चलने वाला हूँ। तो यहाँ से MC ग्रत और प्लस जो है गार्डन को अपने टीम में जगह दूंगा। उसका वास्तुकर नज़र आती है, आप वास्तुकर को जगह दे दो भाई, सिंपल से आप वास्तुकर को जगह दे दो, काफ़ी फ्रेंड पिक हो सकते हो। उसका कॉम्बिनेशन करने के लिए आप जो है स्टोर लैंड हो गया, उसके बाद डी शर्मा हो गया, उसके बाद गार्डन के साथ आप जो कॉम्बिनेशन कर सकते हो। उसके बाद तीसरा आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो MC ग्रत हो गए, उसके बाद जो है स्टोर लैंड हो गए, उसके बाद आप जो है वास्तुकर के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अर्थात कम से कम आप आज का जो ऑलराउंडर रहने वाला है, तीन रहने वाला है, अधिकतम जो ऑलराउंडर कर सकता हूँ वो चार कर सकता हूँ। चार कब करूँगा, जब मेरा विकेट कीपर एक रहेगा, मेरा बैटिंग सेक्शन तीन रहेगा, तो मैं ऑलराउंडर सेक्शन चार भी कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ बॉलिंग सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन पर बात करता हूँ। तो बॉलिंग सेक्शन में कौन सा प्लेयर आज के लिए इम्पोर्टेंट पिक हो सकता है, तो देखा गया है इंडिया वुमेंस की तरफ से जो है आपको जो है सिंह अर्थात आर सिंह ठाकुर नज़र आती है। ये वेरी वेरी लक्की हो रही नज़र आ रही है, तो आज के लिए भी लक्की होने वाला ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग के लिए, तो इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हो ग्रैंड प्लस स्मॉल लीग के लिए। उसके बाद बात करता हूँ दूसरी तरफ, आपको नज़र आता होगा किंग नज़र आता है, किंग नज़र आती है। तो किंग को कब लेना है, जब आपके टीम में गार्डन नहीं रहती है आपके टीम में, तो आप यहां से किंग को अपने साथ लेकर के चल सकते हो, जो कि आपके लिए कॉम्बिनेशन के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो सकता है। उसके बाद आपको नज़र आता है वारहम नज़र आती है, वारहम भी काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो सकता है। बट सभी प्लेयर को एक ही टीम में तो नहीं रह सकते हो, कुल मिलाकर के 22 प्लेयर है। आपको यहाँ से कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करना है तो यहाँ से देख लो कि वारहम को कब रख सकते हो, जब आपके टीम में कौन हो, MC ग्रत हो, आपका गार्डन नहीं हो, तो आप अपनी टीम में इसको जगह दे सकते हो, या स्टोर लैंड आपके टीम में है तो आप यहाँ से कॉम्बिनेशन करके इस प्लेयर को आप अपनी टीम में जगह दे सकते हो। तो यहाँ से बात करता हूँ, तो मैं यहाँ से पेसर्स बॉलर को ही सेलेक्ट करने वाला हूँ, जो कि डी ब्रॉन रहने वाला है। उसके बाद आपको नज़र आता है एम शुट नज़र आती है, तो यहाँ पर से इस प्लेयर को क्या करूँगा, अपनी टीम में जगह देने वाला हूँ। स्कूट हो गया, स्कूट को अपनी टीम में जगह दे दो। इस प्रकार से मैं इस टीम के लिए मैं कितने दो बॉलर के साथ गया हूँ, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए रिक्शी हो सकता है, रिक्शी नहीं हो सकता है भाई। यहाँ से 90% यहाँ से बिल्कुल सेफ प्लेयर होने वाला है, 10% आप खुद से कॉम्बिनेशन इसमें कर सकते हो। चलते हैं इसमें नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद रह गया कैप्टन, भाई वाइस कैप्टन के रूप में किसको सेलेक्ट करूँ। भाई देखो जो टॉप ऑर्डर का जो रहने वाला है, विकेट कीपर हो या आपका बैटिंग सेक्शन हो या ऑलराउंडर सेक्शन हो, ऑलराउंडर सेक्शन का प्लेयर हो, उसी प्लेयर को आज आप कैप्टन के रूप में यूज करो। उसके बाद दूसरे प्लेयर को आप BC के रूप में यूज कर सकते हो। ये काफ़ी इंपोर्टेंट पिक हो जाता है। जैसा कि मैं पेरी को मानता हूँ कि टॉप ऑर्डर पास बैटिंग करने वाले हैं, तो मैं पेरी को कैप्टन बना लिया। इसके अगेंस्ट में ऑलराउंडर सेक्शन हो या मेरा बैटिंग सेक्शन हो, डजंट मेरे या विकेट कीपर की सेक्शन हो, डजंट मीटर, लेकिन टॉप ऑर्डर का ही प्लेयर होना चाहिए, उसी को मैं आज कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में जो है जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, गार्डन को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से BC के रूप में यूज कर सकता हूँ। यदि मैं आप टॉप ऑर्डर का जो ऑलराउंडर हो सकता है उसको आप कैप्टन बनाते हो, तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन या ऑलराउंडर सेक्शन से आप BC का ट्राई कर सकते हो भाई। ये टॉस पर डिपेंड रहेगा कि टॉस कौन जीत करके बैटिंग जीते या न जीते, लेकिन बैटिंग कौन पहले करने आता है इस पर डिपेंड रहेगा। तो आज का रेशियो समझ लो कि आज का रेशियो क्या रहने वाला है। तो आज का जो रेशियो रहने वाला है, टीम का जो रेशियो रहने वाला, काफ़ी खतरनाक रहने वाला है, 6:5 और 5:6। यही दो रेशियो का टीम जो आज फर्स्ट रैंक पर पहुँचने वाला है, धमाल मचाने वाला, 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया विनिंग कराने वाला है। तो आप कॉम्बिनेशन करना काफ़ी आप समझ जाओ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और ग्रैंडली आपके नाम हो जाए। तो यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन करना सीखना पड़ेगा। आप हमारे टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे चैनल से आप देख लो भाई, काफ़ी यूजफुल हो सकता है, कॉम्बिनेशन करना आ जाएगा बिल्कुल। तो गाइज बताना यह प्रिडिक्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। यह प्रिडिक्शन आपको कैसा लगा, मिलेंगे एक और नए प्रिडिक्शन के साथ।